करेरा आईटीबीपी में सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। संस्थान की स्थापना भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पदाधिकारियों को सपोर्ट वेपन जैसे मोर्टार, सीजीआरएल, एजीएस, एमएमजी आदि का प्रशिक्षण करने के उद्देश्य से हुई थी। ये संस्थान समस्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि एक ही स्थान पर समस्त सपोर्ट हथियारों का प्रशिक्षण दे रहा है। वर्ष 2012 से अब तक संस्थान कुल 13,920 पदाधिकारियों को विभिन्न सपोर्ट हथियारों का प्रशिक्षण प्रदान कर चुका है और कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को कारगर बनाने के लिए नई तकनीकी जैसे विजुअल कक्षाएं, ओपन बुक परीक्षा प्रणाली आदि को सम्मिलित किया गया है। अपने अथक प्रयासों और उत्कृष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा संस्थान ने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। संस्थान के द्वारा अपने लक्ष्य कृत युद्धाय निश्चय के अनुरूप निरंतर सपोर्ट हथियारों में प्रशिक्षण प्रदान पदाधिकारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए तैयार कर रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजीव लोचन शुक्ल उप महानिरीक्षक दूरसंचार वाहिनी ने कहा कि 26 अप्रैल 2012 को उनके कार्यकाल के दौरान 84 पदाधिकारियों की सीमित नफरी के साथ 18वीं वाहिनी इलाहाबाद में संस्थान की स्थापना हुई थी और वर्ष 2015 में इलाहाबाद से शिफ्ट कर करेरा स्थित सपोर्ट वाहिनी के साथ स्थापित किया गया। करेरा से संजय गुप्ता बिलैया की रिपोर्ट। सर आज स्थापना दिवस मनाया है, इसके बारे में सर बताएं आप। सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल जो कि ये संस्थान है 2012 में इसी दिन इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी और इसका मेन एम था कि हमारी फोर्स जैसे आईटीबीपी एक एलीट फोर्स है तो इसके जो सपोर्ट वेपन हैं जैसे मीडियम मशीन गन, 81mm मोर्टार, 51mm मोर्टार और स्नाइपर, इनके स्पेशल ट्रेनिंग होती है और ये जो वेपन होते हैं ये दुश्मन पे बहुत घातक तरीके से वार करते हैं और किसी भी फोर्स को इफ़ेक्टिव असर में बहुत मदद करते हैं। तो ये पहला इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में जो इस तरह का किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 26 अप्रैल 2012 में हुई थी और इंसिडेंटली मैं तब कमांडेंट था, मैंने फर्स्ट कमांडेंट इस यूनिट था और आज ये संस्थान यहाँ करेरा से ट्रेनिंग एक्टिविटी अपनी चला रहा है और वर्तमान में जो यहाँ के डीआईजी महोदय हैं श्री निम्बाडिया जी, वो बहुत अच्छी तरीके से और उनके कुशल नेतृत्व में इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग की एक्टिविटी आला दर्जे की है। देखिए ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो बेसिकली यहाँ पे जो जवान या जो अधिकारी या जो वो एज इंस्ट्रक्टर तैयार मतलब तैनात किए जाते हैं। अब उनकी स्ट्रेंथ के बारे में तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा लेकिन ये जाने कि पर्याप्त है। आईटीबीपी कई तरह के नए ग्रुप कर रहा है तो यहाँ पे किस तरह के संसाधन आ गए हैं आगे के लिए ट्रेनिंग? आईटीबीपी जैसे आप जानते हैं कि हर चीज़ में आधुनिकीकरण, हमारे जो डीजी की पॉलिसी है हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन, चाहे वो वेपनरी हो, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो, हमारे जो जवानों के क्लोदिंग हो, सब पे आधुनिकीकरण का काम हो रहा है और उसी क्रम में ये ट्रेनिंग भी यहाँ जो इंस्टीट्यूट है नए ट्रेनिंग है जैसे ऑडियो विजुअल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस तरह से ट्रेनिंग में नए आयाम जोड़ रहे हैं। थैंक यू।